हेलो गाइस, आज हमारे पास आई है जुपिटर BS6। तो यहाँ पर आप मीटर में देख सकते हो 45 किलोमीटर चली हो, तो गाड़ी हमारी मिसिंग कर रही है, स्लो स्पीड में मिसिंग कर रही है। तो इसको स्टार्ट करके आप दिखाता हूँ किस तरह की मिसिंग कर रही है, तो आप कैसे चेक करोगे। तो यहाँ पर हमारी स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है, आपको मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। आपको क्या चेक करना है वो अब मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेक करना है। पहले आपको इसका फ्यूल पंप का पाइप ओपन करना है, इस तरह से ओपन करने के बाद इसमें प्रेशर देखना कि हमारी स्कूटरी का प्रेशर आ रहा है कि नहीं, पंप हमारा प्रॉपर प्रेशर बना रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँगा हमारी स्कूटरी का प्रॉपर प्रेशर है, पंप हमारी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें हम लगाते हैं। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, इजेक्टर चेक करना है कि हमारे इजेक्टर में कोई कचरा तो नहीं, कि इजेक्टर हमारा पेट्रोल दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं सामने दिखा देता हूँ, इसकी किक मारता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं पेट्रोल हमारा प्रॉपर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप क्या चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते प्रॉपर पेट्रोल मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लगाते हैं, फिर आपको हम दूसरी चीज़ दिखाते हैं कि आपको क्या चेक करना है। इसका 8 नंबर का नट है, इसको लगाते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आपको चेक करना है, इसका करंट चेक करना है कि हमारी स्कूटरी में प्रॉपर करंट आ रहा है कि नहीं। तो भाई पहले इसका प्लग चेंज कर दिया गया है, भाई बाहर चेक करा के आए थे मिस्त्री से, उसने प्लग नंबर डाला हुआ है इसमें। इसका प्लग ओपन करते हैं, उसमें करंट चेक करते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। यहाँ पर इसको प्लग खोलते हैं, फिर आपको हम करंट चेक करा देंगे करंट आ रहा है कि नहीं। तो प्लग ओपन हो गया हमारा, यहाँ पर देख सकते हो, तो इसमें यहाँ पर देख सकते हो। तो पहली दिक्कत भाई यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, प्लग में ही प्रॉब्लम आ रही वैसे, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पर मिस्त्री ने भाई जा कुछ बात होगी क्या हो गया, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर कैमरा साफ नहीं है, यहाँ पर प्लग के साथ हमारी जो नीडल होती है वो प्लग के साथ लगी हुई है, क्योंकि करंट हमारा प्रॉपर नहीं जा रहा इसमें शायद। यहाँ पर जैसे साथ लगी हुई है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए। अगर आपकी प्लग में गैप नहीं होगा तो आपकी स्कूटी मिसिंग करेगी। तो इसका हम करंट चेक करते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर दिखा दूँ। आपको सीधा दिखा दूँ, यहाँ पर करंट हमारा आ रहा है, इसमें दिखा दूँ, यहाँ पर करंट हमारा प्रॉपर आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करंट में, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या चेक करना है, इसका प्लग आपको न्यू डालना है, मैं इसमें प्लग न्यू डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखा दूँ कि प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं। तो भाई ने बाहर से प्लग डलवाया हुआ था, इसको मैं प्लग डालता हूँ। प्लग डालने के बाद यहाँ पर आपको मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि स्कूटर का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं। तो हमारे पुराना प्लग है, पुराना प्लग करने के बाद स्कूटी को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं साइलेंसर की बात चेक करके दिखा देता हूँ, स्कूटरी हमारी ओके हो चुकी, कोई मिसिंग नहीं कर रही। सिर्फ इसमें प्लग का नुक्स था, जो कि मैंने इसमें न्यू प्लग डाला है, जो कि बाइक का जो स्पार्क प्लग होता है उसमें साथ जुड़ा हुआ था, उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रही थी स्कूटरी। अगर आपके पास अच्छी प्रॉब्लम आती है तो इन तीन चीज़ें चेक कर सकते हो और आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।